आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास रेसिपी शेयर कर रही हूँ सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए भी तो है ही है, लेकिन खांसी ज़ुकाम के लिए तो ये रामबन इलाज है। और इसे बनाना भी बहुत इजी है, और खाने के बाद इसे इतना रिलीफ मिलता है ना। तो बनाना शुरू करते हैं। स्वागत है आपका जेके किचन में। आज हम बना रहे हैं अदरक लहसुन की चिट, पंजाबी में इसे चिट बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन ले लिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसे दरदरा कूटना है। हमें इसकी कोई पेस्ट, वैसे तो हमें इसे फ्रेश ही कूटना होता है। अगर आपके पास फ्रेश चीज़ें नहीं हैं तो आप फिर पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप फ्रेश ही लें। और अब हम इसे पहले दरदरा कूट लेते हैं, और इसकी हमें कोई फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, बस इसे हमें कूटना है अच्छे से। तो हम कूट के पहले रेडी कर लेते हैं। और अदरक लहसुन आप सेम भी ले सकते हैं, या आप लहसुन ज़्यादा ले सकते हैं, अदरक कम ले सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पे हमने पीस के इसे रेडी कर लिया हुआ। पैन में डाला मैंने देसी घी। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। तो इसके साथ ही डाल दिया जो मैंने अदरक लहसुन भी। और अब हम इसे पहले अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि इसकी हमें रॉ स्मेल निकालनी है। और इसे हमें घी में अच्छे से भूनना है। और ये देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो हमें निकालनी है अच्छे से। और थोड़ी देर हम इसे भून, और इसमें ना ही टमाटर का यूज़ किया जाता है और ना ही लाल मिर्च का। बस इसमें अब हम डाल देंगे हल्दी को। ये अच्छे से हो चुका है, तो हल्दी हमने डाल दी थोड़ी सी। और इसके साथ ही अब हम नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल दें। अब हम पहले इसे भी भून लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हल्दी में से भी हमें कच्चापन निकालना है। तो हम पहले इनको अच्छे से भून लेते हैं। आप इसे ऐसे ड्राई भी रख सकते हैं, नहीं तो हम इसमें 2 कप मैं इसमें दूध के डाल रही हूँ। तो क्योंकि हमने 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन के डाले थे, इसमें हम 2 कप दूध के डाल, और हमने दूध भी डाल दिया इसमें। अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं, और हम इसे बहुत ही लो फ्लेम पे बॉईल करेंगे। और हम इसे ज़्यादा भी बॉईल नहीं करेंगे, वरना क्या होता है कभी कभी दूध भी फट जाता है। तो बहुत ही लो फ्लेम पे इसे थोड़ी देर बॉईल करेंगे। और सच में इतनी टेस्टी ये चिट बन के रेडी हो जाती है ना, और खांसी ज़ुकाम के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम इसे बस थोड़ी देर और बॉईल कर लेते हैं, और ये हमारी जी अदरक लहसुन की चिट बन के एकदम से रेडी हो गई है। और बस ये देखिए थोड़ी देर हम इसे और बॉईल कर लेते हैं, और देखिए कितनी यम्मी टेस्टी टेस्टी हमारी अदरक लहसुन की चिट बन के रेडी हो जाती है। और आप भी इसे बनाएं। सर्दियों में तो हमें इसे मतलब हफ्ते में 2 बारी तो बनाना ही चाहिए। और ये हमारे वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें अदरक है, लहसुन है, हल्दी है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और अगर किसी को सर्दी खांसी ज़ुकाम है, तो वो इसे मतलब रोटी के साथ खा सकते हैं, या ऐसे भी खा सकते हैं बिना रोटी के। और चावल का यूज़ बिल्कुल ना करें जिसको भी सर्दी खांसी ज़ुकाम रहता है। तो बस गरम गरम आप ये खाएं रोटी के साथ, और एकदम पानी ना पिए। पानी कम से कम 1 घंटे के बाद ही पिए, तो देखें आपके गले में कितना रिलीफ मिलता है इसे खाने के बाद। और सच में इतना मतलब ये फ़ायदेमंद है ना। दवाई एक साइड है और ये चीज़ एक साइड है। तो आप भी बनाएं खाएं। मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।